जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जावा ऑप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया, इससे पहले क्या प्रॉब्लम था कि इसे डेवलप किया गया, ठीक है, और इसका कितना फीचर है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ऑप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ऑप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नाम से ही पता चलता होगा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। द मेन पर्पस ऑफ ऊप इज टू डील विथ रियल वर्ल्ड एंटिटी यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, इसका मेन फोकस क्या था, रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ डील करना, मतलब रियल वर्ल्ड जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम पे, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, यही इसका डेवलप करने का मेन पर्पस था। इससे पहले जो हमारे पास प्रोसीडूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, और एक हद तक जाने के बाद उसमें प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, समझने में, लिखने में, सब चीज़ें में। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने इसे डेवलप करा। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे फीचर मिल जाएंगे जिसमें आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और प्रोग्राम भी देखने में कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोग्राम को आप अलग अलग क्लास में उनके कैटेगरी वाइज बांट सकते हो। तो चलो मैं आपको फीचर बताता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें और डिस्कस करूँगा, ठीक है। ऊप्स का सबसे पहला फीचर होता है जावा में क्लास। तो अभी आपके माइंड में सवाल आता होगा कि भाई क्लास क्या है, तो मैं आपको बता दूं, क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसे आप लॉजिकल एंटिटी बोल सकते हैं। इसमें सिर्फ आप लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लास के लिए कोई मेमोरी नहीं बनता, ये कोई स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तभी उस क्लास के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, उसमें जो भी डेटा होते हैं उनके प्रोसेसिंग पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रोग्राम की लॉजिक पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ऑब्जेक्ट का स्टेट और बिहेवियर होता है, जैसे मैं, स्टेट क्या हो गया, मेरा एज, मेरा रंग, ये सब मेरा स्टेट हो गया। बिहेवियर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं खाना खाता हूँ, ये सभी मेरा बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, एक क्लास का आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, आप क्लास भी बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट के बनते ही क्लास के लिए मेमोरी बनती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन फोकस होता है डेटा के प्रोसेसिंग पर, ना कि प्रोग्राम के लॉजिक पर जो कि क्लास में लिखा होता है, क्योंकि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, फिजिकली एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट करता है। अभी ऊप्स का सबसे मेन फीचर आ गया हमारा इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, रीयूजबिलिटी आपको मिलता है कि आप अपने सोर्स कोड को बार बार, जितनी बार चाहें, क्लासेस को एक्सटेंड करके रीयूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऊप्स का फीचर। जब मैं आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ आपका क्लियर करूँगा कि कितने टाइप्स का होता है ये, कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, सिंटैक्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होगा। जैसे रियल टाइम एग्जांपल, मेरे ही एग्जांपल ले लो, अभी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन जब मैं अपने घर जाऊँगा तो मैं किसी का सन होऊँगा, किसी का ब्रदर हो जाऊँगा, तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट हूँ लेकिन मेरा बिहेवियर बदल रहा हर जगह पर। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि आपका जो डेटा और मेथड होता है उसको एक सिंगल यूनिट में ये बाइंड कर देता है। इसका नाम देखो गाइस, इनकैप्सुलेशन, कैप यहाँ पे कैप्सूल आ रहा है, जिस तरह से एक कैप्सूल में बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है, बिल्कुल वही है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ज़्यादातर इसका भी यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा जो यूज़र को शो नहीं करानी होती है, ये हाइड कर देता है, और जो यूज़र को सिर्फ शो करानी है, यूज़र के काम लायक इन्फॉर्मेशन है, वही ये सिर्फ यूज़र के सामने रखता है। जैसे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदोगे ना, तो मोबाइल फ़ोन का फंक्शन आपको बता दिया जाएगा कि इसे चलाना कैसे है, ऑन ऑफ कैसे होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन बना कैसे है, किस रॉ मटेरियल से बना है, वो आपको नहीं बताएगा कोई। अगर
वही फॉर्मूला आपको बता देगा कोई, तो आप खुद का मोबाइल फ़ोन नहीं बना लोगे। तो आप एब्स्ट्रैक्शन में अपने इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं। दो तरीके से इसे हम इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे, पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेस की मदद से। तो अभी चलो मैं आपको वो बताता हूँ कि जब हमारा स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग था, तो उसमें हमें क्या दिक्कत आती थी। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में ना एक टाइम पे प्रोग्राम बनाते बनाते काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, प्रोग्राम काफ़ी बड़ा हो जाता था, जिसे समझना और हैंडल करना दोनों में काफ़ी परेशानी आती थी। इसी प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप 2 निकाला, जिसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला गया। इसमें क्या हुआ कि आपके सारे कॉम्प्लेक्सिटी को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए सॉर्ट आउट कर दिया गया। इसमें ना आपको बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बताया इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सभी फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ये जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं, इन फीचर्स को हम डिटेल में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके सिखाएंगे, इनका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं ये भी डिस्कस करूँगा। ये वाला वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक अगर आपने जावा की प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है तो हमारे चैनल के ऊपर जाके जावा की प्लेलिस्ट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी जावा सीख पाएंगे।